Take one. नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम हैं मेघालय की राजधानी शिलोंग में। कल हम दिल्ली से फ्लाइट थी हमारी, तो हम कल दिन में आकर पहुंचे थे यहाँ पे, और अभी हम रुके हुए हैं जोस्टल में। होटल में नहीं, जोस्टल में। ये गिर गई। साउंड प्रोडक्शन टेक टू। जोस्टल में नहीं, होटल में, जो कि दोबारा गिर गई। एक्शन। जोस्टल में नहीं, होटल में नहीं, जोस्टल में। तो यार मैं तुझसे बात कर रहा था अपने मेघालय। एक मिनट। हेलो। हाँ जी, हाँ बस दो मिनट में करता हूँ, वापस करता हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। ओके। तो यार मैं तुझे बता रहा था अपने मेघालय ट्रिप के बारे में कि मेघालय ट्रिप कैसी रही। अगर तुझे भी जाना है तो मैं बता देता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो यार हम निकले थे गुवाहाटी के लिए। गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट का एंट्री पॉइंट है। ये मान ले कि अगर नॉर्थ ईस्ट का आपको टूर करना है तो आपको गुवाहाटी जाना पड़ेगा पहले। और गुवाहाटी हमारी डायरेक्ट फ्लाइट थी दिल्ली से, तो हम दिन में 2-3 बजे के समथिंग हम गुवाहाटी पहुंच गए थे। वहां से हम टैक्सी करके हम सीधे निकले शिलोंग के लिए। अब क्या है यार, गुवाहाटी में तेरे पास ना दो ऑप्शंस है शिलोंग जाने के लिए। एक तो तू ले सकता है शेयरिंग टैक्सी, किराया हमें पता नहीं है, लेकिन तू पता कर सकता है वहाँ पे शेयरिंग टैक्सी का किराया। और एक तू ले सकता है प्राइवेट टैक्सी, जो कि तेरी पर्सनल होगी। अगर तुम 3-4 लोग जाते हो तो प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हो। तो यार हमें क्या है, व्लॉग शूट करना था, वीडियो शूट करना था, तो हमने प्राइवेट टैक्सी ही प्रेफर करी। तो हम पहुंच गए शिलोंग। शिलोंग हमने उस दिन पहुंच के हमने रेस्ट किया, और अगले दिन उठे हम सुबह शिलोंग के लिए। शिलोंग के पब्लिक बाजार जो है उसका, पुलिस बाजार को देखने के लिए। क्या लिखा पड़ा है, इसका मतलब क्या है? तो हम पुलिस बाजार गए, वहां पे हमने चाय वाय पी, थोड़ा लोकल एक्सप्लोर किया, एंड देन फिर वापस हम अपने होटल आ गए। और आज हम जा रहे हैं एक ऐसे विलेज में जो कि है एक हिडन जैम, जिसमें बहुत कम टूरिस्ट लोग जिसको एक्सप्लोर करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारी जो व्यूवर्स है उनके लिए कुछ ऐसा चीज़ एक्सप्लोर की जाए जो बहुत कम एक्सप्लोर हुई हो, या फिर बहुत कम टूरिस्ट वहां पर गए हों। तो किसी ने हमें नाम बताया उस ऑफ बीट प्लेस का, मफनलूर। मफनलूर ना एक हिडन जैम है, पूरा हिडन जैम है। वहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट जाते हैं, और बहुत सुंदर गांव है एक। और उसकी खास बात यह है कि गांव की बहुत सुंदर है और क्लीन बहुत है, और वहाँ के लोग ना बीमार नहीं पड़ते। तो बस यार उस तरीके की एक्साइटमेंट थी कि उस गांव को देखना है, वो गांव है कैसा, और एयर क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी रहती है, तो उस गांव को बस देखना था। तो यार इसलिए हम ऑफ बीट प्लेस पे निकल गए पहले दिन ही। शिलोंग से हम आ चुके हैं आगे, और यार अभी ना यहाँ पर ट्रैफिक कम होता जा रहा है। तो मफनलूर के लिए हम शिलोंग से निकल गए थे, तो हमें रास्ते में ना बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखे। तो हमने सोचा कि यार कहीं ना रोक के ना कुछ अच्छे से ड्रोन शॉट लेते हैं और कुछ खाते पीते हैं। और अभी मैं हूँ माओ कोत्तप विलेज में। जैसा कि अभी जो मेरे पीछे आप शॉप देख रहे हैं, इन्होंने बताया था वो नाम माओ कोत्तप विलेज। बाकी प्रोनंसिएशन इसका भी मुझसे ढंग से नहीं हो रहा है, तो देख लेना यार। और मैं जा रहा हूँ अभी माओ फल नूर विलेज में, जो कि मेरे इस रास्ते से ऊपर होते हुए जाएगा। और अभी यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर के आसपास वो विलेज है। बाकी यहीं से ही अभी ना इतना खूबसूरत नज़ारा आ रहा है, तो अभी रुके हुए हैं थोड़ी देर कुछ स्नैक्स वगैरह खाने के लिए,
और इतने में तैयार हो रहा है हमारा ड्रोन। तो यार इतने प्यारे शॉट्स लेने वाले हैं ड्रोन के। मानो या ना मानो, कुछ कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं किसी यूरोप के घाव में आ चुका, लेकिन ये इंडिया में है। फिर हम चल दिए आगे मफनलूर के लिए। अब क्या है, माव कोतक विलेज से निकल लिए आगे हम। तो आगे हमें रास्ते में ना ऐसा सीन मिला, और उसके बाद में हमें एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ पे ना लोकल्स ने तालाब बना रखा था आर्टिफिशियली, और वहाँ पर हो रही थी फिशिंग। या तो उनका फिशिंग का कोई कंपटीशन चल रहा था, या फिर वो घर के यूज के लिए फिशिंग कर रहे थे। अभी मैंने ना कुछ अजीब सी चीज़ देखी, बहुत सारे लोग जो यहाँ के लोकल से वो फिशिंग कर रहे हैं एक तालाब के पास में, और बहुत देर से बैठे हुए हैं। शायद यहाँ के लोकल्स हैं ये जो फिशिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। पता नहीं ये कितने घंटों से बैठे हैं और फिशिंग कर रहे हैं, और एक ये तालाब बनाया हुआ है, यहाँ पर भी फिशिंग कर रहे हैं। ये है हमारा एक डिफरेंट इंडिया। हम शिलोंग से निकल लिए थे माफलनूर गांव के लिए, जो कि एक हिडन जैम है उसको देखने के लिए। तो रास्ते में मैंने देखा कि यार ये क्या कंपटीशन सा हो रहा है, तालाब के किनारे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। इनको ना हिंदी भी नहीं आती और इंग्लिश भी नहीं आती, अब यहाँ की लोकल लैंग्वेज बोली जाती है। अभी मैंने इनसे जब पूछने की कोशिश करी कि क्या हो रहा है, ये तो कोई भी नहीं बता पाया क्या हो रहा है, लेकिन मैंने ये अंदाज़ा लगाया या तो ये फिशिंग कर रहे हैं जो कि घर के लिए ले जा रहे हैं या बेचने के लिए ले जा रहे हैं, या फिर कोई कंपटीशन हो रहा है जो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये है हमारा डिफरेंट। तो रास्ते में क्या है कि नेटवर्क आ नहीं रहे थे, नेट हमारा ना सही से चल नहीं रहा था। तो मफनलूर की जो लोकेशन लगाई थी गूगल मैप पे, वो गूगल मैप ने छोड़ दी और पता नहीं हमें कहाँ भटका दिया। अब हमने किसी लोकल की मदद से पूछा कि मफनलूर कहाँ है, तो कोई भी नहीं बता पाया, क्योंकि वहाँ पर एक तो भाषा की प्रॉब्लम है, ना तो इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है। तो एक जगह पे कोई चावल की खेती कर रहे थे, हमने उनसे भी पूछने की कोशिश करी कि मफनलूर का रास्ता कौन सा है। ये राइस और राइस, ये राइस का खेती राइस का, चावल राइस। तो यार अभी मैं हूँ माफनलूर गांव के पास में, तो गांव ना अभी मेरे पीछे थोड़ा सा रह गया, तो रास्ता भटक गए, तो किसी गांव में दूसरे गांव में आ गए। और ना यहाँ पर जो प्रकृति का जो व्यू है ना, नेचर है ना, और सांस लेने में भी ऐसा लग रहा है कि यार नशा हो रहा है। और नीचे ना चावल की खेती हो रही है, राइस की खेती हो रही है। तो मैंने पूछा भी था कि इनसे ये किस चीज़ की खेती हो रही है, लेकिन ये लोग बता नहीं पाए क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती, ना तो इनको हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके मैंने पूछा कि माफनलूर गांव किधर है, तो बता रहे कि पीछे की साइड है, इशारा कर। निकले थे हम एक ऐसे गांव को खोजने जहां पर है शांति और एयर की क्वालिटी है सबसे अच्छी, और जहां के लोग ना बीमार नहीं पड़ते, ऐसे गांव के लिए निकले थे। लेकिन वो गांव भी पता नहीं कहां गया, और आगे आ गए हम अभी। अब यहां पर ना तो कोई नेटवर्क है और ना किसी को हमारी लैंग्वेज समझ में आ रही है,
तो अब कैसे करें, भी वापस ही जाते। गूगल मैप ने हमारा साथ छोड़ दिया, हम गांव की जो लोकेशन थी वो लगा रखी थी, तो गूगल मैप ने हमने पता नहीं कहां कहां निकाल के और किस गांव में पहुंचा दिया, लेकिन मफनलूर नहीं पहुंचाया। तो फिर हमने किसी लोकल से पूछा तो उन्होंने बताया कि यार एक व्यू पॉइंट है, पहले आप उसको देखो फिर मफनलूर के लिए निकलना। मफनलूर व्यू हमारे सामने ना, आपको एक अल्टो दिख रही होगी 800 है, सॉरी वो लेके जा रही है, हमें रास्ता बता रहे हैं। तो वो उस गांव का नाम है मावथा राशन, तो पहले हम वहां पहुंचे उस व्यू पॉइंट को देखने के लिए। दिल खुश हो गया इस व्यू को देख के। वेलकम टू मेघालय, और मैं हूं इस समय मेघालय में, सेवन सिस्टर्स में से एक सिस्टर पर हूं मैं, और मैं हूं अभी मावथा राशन, एक व्यू पॉइंट है। हम एक गांव को ढूंढ रहे थे, वो गांव का जो नाम है मफनलूर है, तो रास्ता भटकते हुए हम इस व्यू पॉइंट पे आ गए कुछ लोकल्स की हेल्प लेके। और मेरे पीछे देखो आप वो व्यू, जन्नत। लाइफ में ना मेरी उम्र अभी 34 के करीब हो गई और अभी मेरा बर्थडे आया है, तो 34 साल में मैंने इतना क्लीन व्यू, क्लीन जगह आज तक नहीं देखी। और यहाँ पर ना बहुत कम टूरिस्ट पहुँचते हैं, और किसी जन्नत से कम नहीं है ये व्यू। और इतनी फ्रेश एयर आ रही है ना, ये आदमी को नशे करने के लिए नशे वाली चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन यहाँ जो फ्रेशनेस है उससे ही नशे हो जाएंगे। ओ भाई, मेरे लिए तो बिस्तर यहीं लगा दो। मावथा राशन में ना वैसे ही हम घूम रहे थे, मतलब पहाड़ी पे घूम रहे थे, उसके बाद में एक व्यू पॉइंट है ऊपर, तो हम वहाँ चले गए, और वहाँ से जो नज़ारा आ रहा था ना यार, क्या ही बताऊँ मैं तेरे को, इतनी ठंडी हवा और इतना प्यारा व्यूज, लश ग्रीन मेघालय। कंपैरिजन नहीं है कि आप इसका कंपैरिजन कश्मीर से करो, अरुणाचल से करो, नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। वहाँ की ना एक खास बात है कि उनके व्यू अच्छे आते हैं, लेकिन जो क्लीननेस है ना, जो शुद्धता है, जो साफ सफाई है, जो एयर क्वालिटी है, यहाँ से पहले मैंने इंडिया में कहीं नहीं देखी। अभी गांव के पास में बंदा मिला था जो हमें बता रहा था कि ऑल्टो से जा रहे थे, तो वो सिगरेट पी रहा था, तो उसकी सिगरेट भी ना नेचुरल थी और हर्बल थी। अब वो पूछो कैसे थी, उनका तंबाकू था वो कच्चा तंबाकू था यहाँ का, और पेपर था उनके पास, वो पेपर में उस तंबाकू को लपेट के वो सिगरेट पी रहे थे। तो कितना नेचर से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन जब यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट हो जाएगा और धीरे धीरे डेवलप होगा, लोगों को पता चलेगा, तो यार यहाँ की हालत भी ख़राब होने वाली है, बस इसी चीज़ का थोड़ा डर लगता है। तो यार मावथा राशन से हम निकले मफनलूर के लिए दोबारा से गूगल मैप लगाकर, जो भी हमारे मैप में सेव था पहले से रूट जो, उस मैप को लगाकर। तो हम पूछते पूछते पहुँचे मफनलूर के पास में, लेकिन फिर से हम एक बार फिर रास्ता भटक गए, लेकिन एट ऑफ द एंड हम पहुँच ही गए मफनलूर।
और मफनलूर यार मैं क्या ही बताऊं, इतनी प्यारी जगह। तूने स्विट्जरलैंड की कई वीडियोस देखी है रील्स पे? तो ऐसा लग रहा था मेरे को सेम, वहां पर ना कोटेज वगैरह भी मिलते हैं, होटल्स भी मिलते हैं, और इतना प्यारा व्यू आ रहा था यार। बस ऐसा कर रहा था कि यहाँ पर ना हमारा घर होना चाहिए, लेकिन हमें क्या पता था हम निकले थे गांव एक्सप्लोर करने और हमें इतनी अच्छी चीज मिल जाएगी। और फाइनली हम उस गांव में आ चुके हैं, उस गांव के जो टूरिस्ट स्पॉट है उस पर आ चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लेक दिख रही है दोनों, और क्या व्यू आ रहा है। अभी ये जो टूरिस्ट प्लेस है वो इतना स्पॉट नहीं हुआ है टूरिस्ट के द्वारा, कुछ मेरे जैसे ही गिने चुने लोग आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एंट्री फीस 100 रुपीज़ है। व्हाट ए व्यू। तो मफनलूर पहुंचने के बाद में ना एक आर्टिफिशियल झील है वहाँ पे, तो उसको पार करके जाना पड़ता है सनसेट व्यू देखने के लिए। ऊपर चढ़ाई करनी पड़ती है, छोटा सा पहाड़ है उसके ऊपर, तो उसका ना एक सीधा रास्ता था जाने का, लेकिन हम में तो खुजली थी तो हम चल दिए उल्टे रास्ते से। तो अभी मैं जा रहा हूँ लकड़ी के पुल पे, और मैं जा रहा हूँ दूसरी साइड, दूसरा व्यू देखने के लिए उस साइड से, और जो ये लेक है उसको मैं इस बांस के पुल पे पार कर रहा। तो वो झील जब हम पार कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम अभी गिरेंगे, क्योंकि इल्यूजन हो रहा था इस टाइप का, और बहुत ही ध्यान से चलना पड़ेगा, आगे टूटा हुआ है शायद ये, और ये खतरनाक पुल, बांस वांस टूटे हुए हैं काफी सारे। वो झील है ना वो पार करके लकड़ी वाली, और हम चढ़ गए ऊपर। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, मफनलूर गांव है उसके ऊपर एक व्यू पॉइंट है, यहाँ पर जा रहा हूँ मैं, और देखते हैं कैसा रहता है व्यू। कुछ 100 मीटर का ट्रैक है, वो करके मैं जाता हूँ ऊपर। ऑफ बीट लोकेशन है, ओ वाह सनसेट हो रहा भाई। तो ये है यहाँ से मफनलूर लेक का व्यू, क्या व्यू आ रहा है। लेकिन हमारा जो होटल था ना वो पहले से ही बुक था 2 दिन के लिए शिलोंग में, तो हमें शिलोंग वापस जाना पड़ा। लेकिन यार तू जब जाए ना तो मफनलूर में एक नाइट स्टे जरूर करना। और आज के दिन के सनसेट के साथ में ही हमारे आज के दिन का जो सफर है, हमारे जो ये गांव की खोज थी, मफनलूर गांव की खोज, वो सनसेट के साथ में आज यही खत्म होता है। बस वो सनसेट है ना वो देख, और बाकी प्यारे प्यारे शॉट्स। चलिए मिलते हैं कल, बाय। यार आज के लिए स्टोरी काफ़ी है, अभी तेरे सामने फ़ोन आया था तो अभी मेरे को जाना पड़ेगा, तो चल चलते अगली बार मिलते हैं, फिर मैं तेरे को पूरी स्टोरी आगे की बताता हूँ। और व्लॉग देखना मत भूलना, और यार अपने फ्रेंड्स वगैरह से ना लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि लाइक से ना मोटिवेशन मिलता है और सब्सक्राइब से भी मोटिवेशन मिलता है, तो ज़रूर करना यार। चल चलते हैं ना। भैया जी चले, आप वीडियो देख रहे हो, आज का दिन यहीं खत्म होता है, चलो रेडी।